10 इम्पोर्टेंट टिप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। PCSE परीक्षा राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा है। प्रत्येक राज्य में विशेष नागरिक सेवा पदों के लिए PCS परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह पद राज्य सरकार के अंतर्गत होता है और इसमें ट्रांसफर भी राज्य की सीमा क्षेत्र के अंदर ही हो सकता है। इस परीक्षा से प्राप्त होने वाला पद समाज के बीच सदैव प्राथमिकता और गौरव का विषय वस्तु रही है। दोस्तों, अगर आप भी PCS परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको PCS परीक्षा क्वालिफाई करने के 10 इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बताएंगे। PCS परीक्षा की तैयारी के टिप्स। प्रत्येक अभ्यर्थी को उस राज्य से संबंधित इतिहास और भूगोल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको राज्य के समान ज्ञान, इतिहास और भूगोल की प्रमाणिक पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। नंबर 2, PCS परीक्षा एक नागरिक सेवा परीक्षा है, इसलिए अभ्यर्थी को उच्च स्तर की मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी मेहनत ही आपको इस पद के लिए अग्रसर करेगी। नंबर 3, इस परीक्षा में आपको देश की नवीनतम घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की सही जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन एक दैनिक अखबार पढ़ने की आवश्यकता है और टीवी पर न्यूज चैनल देखने की आदत बनानी पड़ेगी, जिससे आप दैनिक घटनाक्रम से अपडेट रहें। नंबर 4, इस परीक्षा की तैयारी के लिए NCERT की पुस्तकें सबसे अच्छी होती है, जिसके माध्यम से आप नोट बनाकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, लगभग सभी राज्यों की PCSE परीक्षा में एक हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। इसमें पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोक कविताएं, शब्द रूप, समास आदि पूछे जाते हैं। इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको व्याकरण की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी अन्य अभ्यर्थियों से आप प्रतियोगिता कर पाएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का स्तर बहुत ही उच्च होता है। नंबर 6, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को 3 खंड में 3 निबंध लिखने होते हैं। इसमें आपकी किसी विषय की समझने की क्षमता को जांचा जाता है। निबंध लिखने की शब्द सीमा 700 शब्द होती है, इसलिए आपको निबंध लिखने का अभ्यास अच्छी तरह से करना पड़ेगा। आपके निबंध में आप कभी भी मुख्य टॉपिक से इधर उधर ना जाएं। इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। अगर आप एक ही निबंध को अलग अलग समय में कई बार लिखेंगे तो आप में लिखने की क्षमता का विकास होगा और विषय की अच्छी समझ हो जाएगी। आपको इसके लिए कई लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा और उनके विचारों पर गहराई से ध्यान देना होगा। नंबर 7, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान के स्तर को अच्छी तरह से जांचा जाता है। आपको अच्छे प्रकाशन और अच्छे लेखक की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रहे कि पुस्तक प्रमाणिक होनी चाहिए, नहीं तो गलत जानकारी के चलते आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रश्न का सही उत्तर की जाँच के लिए इंटरनेट की सहायता लेनी चाहिए। नंबर 8, अभ्यर्थी को पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए, जिससे आपको प्रश्नों का स्तर और पैटर्न को समझने में सहायता होगी। प्रत्येक वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करने के बाद 2 या 3 दिन बाद दोबारा फिर से प्रश्न पत्र को समय के अंदर ही हल करने का प्रयास करें। इससे आपको प्रत्येक खंड में लगने वाले समय का अनुमान हो जाएगा। अब आपको इस लगने वाले समय को प्रतिदिन कम करते रहना है, जिसका लाभ आपको मूल परीक्षा में अवश्य मिलेगा। नंबर 9, इस परीक्षा में अभ्यर्थी को अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जिससे आप अपनी क्षमता का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 10, इस परीक्षा की तैयारी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग या यूट्यूब का प्रयोग कर यात्रा के समय का सदुपयोग किया जा सकता है और आपकी तैयारी भी सही समय पर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।